हम अपने दो तीन गुरुजनों के साथ यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थान पर जा रहे थे जाते जाते अचानक स्लिप होने लगी विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वो गाड़ी को अपने आप दाहिने में दिया और ब्रेक लगा दिया देश से जब देश आजाद हुआ ना day, उस वक्त बहुत सी चीजें परमिट से मिला कर पेट्रोल परमिट से मिलता था माचिस परमिट से मिलती थी कपड़े परमिट से मिलते थे कलेक्टर से परमिट लो फिर आप कपड़े खरीदो तो हमारे नर्मदा जी ध्यान करा रहे थे उन्होंने अचानक ध्यान को रोका और कहा कि एक दूसरे की आंखों में देखिए आप और फिर बताइए आपको क्या दिख रहा है फिर हमने आंखों में देखते हुए उनके घर का विवरण दिया पूरा कैसा दरवाजा है कहाँ से एंट्री है दरवाजे के बाद अंदर में कोई किसकी मूर्ति है और ये सब उनको बताया और फिर जब पूछा वो बात सही निकली आत्मा की यात्रा श्रृंखला में मैं अलका आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं इस श्रृंखला में हम मिलते हैं बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर से और जानते हैं उनके ध्यान अनुभव तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर जिनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ श्री शरूचंद जैन सर जो कि करीब 25 वर्षों से ध्यान में हैं और सर भूतपूर्व विधायक हैं रायपुर के प्रथम मेयर हैं चेयरपर्सन हैं एजुकेशन सोसाइटी महानदी एजुकेशन सोसाइटी के नमस्कार सर नमस्कार सर आपका इतना लंबा ध्यान अनुभव रहा है 25 वर्षों का तो कैसे ध्यान की यात्रा हुई आपकी शुरू आपका बचपन कैसा रहा आपकी एजुकेशन फैमिली और पत्री सर से मिलना और उसके आगे की यात्रा कैसी रही ये मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो ध्यान का पूरा अध्याय होता है जीवन में वैसे तो बचपन से ही हर एक की शुरुआत हो जाती है और फिर उस बीच में जब एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ पर आपको और ऊपर जाना है तब फिर कोई ना कोई गुरु अपने जीवन में आते हैं वैसे ही पत्री जी हमारे जीवन में 98 में आए और उसके बाद ज्ञान के अंदर जो ध्यान के अंदर जो हमारे गोते लगने शुरू हुए वो चलते रहे पर ये बात कोविड के समय की है जब मैं अपने परिवार के इतिहास के बारे में किताब लिख रहा था तो उस बीच एक दिन पत्री जी का फोन आया और मुझसे पूछे क्या कर रहे हो मैंने कहा मैं एक किताब लिख रहा हूँ अपने परिवार के इतिहास के बारे में तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी के भविष्य में किताब चाहिए और वो भी चालीस दिन में पूरा करके मुझे भेजो तो फिर मैंने वो किताब लिखनी शुरू की और वो चालीस दिन के अंदर पूरी भी की पर उसमें फिर शुरुआत यही हुई कि बचपन से आपके साथ क्या क्या घटनाएं होती रहीं किस तरह से आप परिवार में बढ़ते गए और किस तरह से आपने अपने अंदर में वो सारी चीज़ों को समेटा जो आगे चल के ध्यान में परिवर्तित हुई तो सबसे पहले तो यही है कि बचपन में मुझे सत्य जो है उससे बहुत लगाव था मतलब मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था अब भरा पूरा परिवार था पांच पांच दादा लोगों का परिवार इतने लोग पर उसमें भी ये था कि हर कोई स्पिरिचुअल था इन सेंस कि हम धार्मिक उसको भी स्पिरिचुअल मान लेते हैं और धार्मिक में जो मंदिर है इसकी उसकी क्रिया है वो सारी करते हैं पर सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी जो इस परिवार में रही जो हमने बचपन से देखी वो ये था कि आर्ट ऑफ गिविंग मतलब इस परिवार के द्वार से कोई भी कभी खाली नहीं गया जिसने जो सहायता मांगी उसको वो सहायता पूरी मिली और कमाई चाहे जितनी भी हो पर ये हमेशा हमको सिखाया गया कि उसमें बेईमानी किसी तरह से नहीं होनी है चाहे सरकार का टैक्स हो चाहे लोगों को देने का हो चाहे धर्मार्थ में देने का हो सब में पूरा कार्य होना चाहिए आप अपने ऊपर कम से कम खर्च करो ज़्यादा से ज़्यादा परमार्थ में करो ये जो सीख बचपन से मिलते मिलते हम लोग बढ़े तो उसके बाद जब राजनीति में आने का मौका मिला तो उसमें भी फिर हमारा तो कार्यक्रम वही रहा कि हम अधिक से अधिक कितने लोगों की मदद कर सकते हैं वैसे एक छोटी सी बात है कि उस समय मैं नगर निगम में मेयर बना तो रायपुर के अंदर में गंदी बस्तियाँ बहुत थी और उसका कारण ये था कि आसपास के देहात से लोग आते थे रायपुर में चूँकि काम मिलता था यहाँ कमाई हो सकती थी तो वो झोपड़ी बना बना के जगह जगह बस जाते थे और वो झोपड़ी भी दादागिरी से लोग बनवाते थे जिस जो उनसे पैसे वसूल करते थे तो फिर गवर्नमेंट की एक स्कीम आई और उस स्कीम के अंतर्गत इन बस्तियों को उन्नयन करने का कार्य नगर निगम के लिए दिया पर उसमें यह था कि एक साल के अंदर पूरा करना है अगले साल वो फंड नहीं जा सकता आपको पूरा करना है तो हमने फिर जितनी भी बस्तियां थी उस सबका ब्लूप्रिंट बनवाया और एक आदमी को भोपाल में बैठा दिया इंजीनियर को बाकी जितने नगर निगम थे मध्य प्रदेश के वो सारा पैसा वापस भेजते जा रहे थे क्योंकि हम नहीं कर सकते एक साल में वो सारा पैसा हम रायपुर ले लेते ले ले थे, थे एक 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 स्कीम में और मुझे जहाँ तक याद है उस एक वर्ष में हमने सौ से ऊपर बस्तियों का उन्नयन किया इतने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया वो बहुत खुशी की बात होती थी मुझे और इस तरह से वो जो सिलसिला चला तो उसके बाद पत्री जी से मुलाकात हो गई 98 में ये और आगे बढ़ता गया और फिर धर्म और स्पिरिचुअलिटी उसका अंतर भी समझ आने लगा धर्म में हम क्रियाएँ ही ज़्यादा करते हैं स्पिरिचुअलिटी में हम अंदर ज्यादा उतरते हैं, अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं और इसलिए फिर ये स्पिरिचुअल जर्नी हमारी शुरू हो गई जी का आशीर्वाद रहा, वो हर वर्ष एक बार दो बार यहाँ आते रहे सर जैसे आपने बोला आप एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली से हैं श्री श्रीमाल रायपुर की जो प्रतिष्ठित फैमिली है तो इन सब बच्चों के बीच में आपका बचपन कैसे गुजरा आप Uh, कैसे लोग आपको अन्य बच्चों से कंपेयर करते थे या कोई स्पेशल कोई बदमाशी कोई पनिशमेंट आप बताना चाहें उस समय जो माहौल था उसमें ये होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को बहुत डांट या फटकार नहीं करते थे मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग गर्मी के दिनों में भी भर दोपहरी में स्कूल से आते थे तो दोपहर में हम लोग मैदान में चले जाते थे और पेड़ की छांव में गिल्ली डंडा खेला करते थे है ना गिड़ी पर चढ़ते थे पर सबसे जो अच्छा खेल हमने बचपन में बहुत बरसों तक किया उसको हम लोग डंडा पचरंगा बोलते हैं डंडा पचरंगा में ये होता है कि जितने भी खेलने वाले खिलाड़ी वो सब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक खिलाड़ी नीचे खड़ा होता है एक सर्कल में एक लकड़ी रखी होती छोटी सी तो उस लकड़ी से वो जिसको भी छुएगा वो आउट होता है तो होता यह है खेल में कि ऊपर जितने चढ़ें वो नीचे कूदें और उस लकड़ी को उठा लें पहले ताकि फिर वो किसी को आउट ना कर सके तो ऊपर से कूदना और इसका चढ़ना ये इतना टाइमिंग होता था और मुझे ऐसे याद है कि महासून जैसी जगह में जहाँ हम पैदा हुए वहाँ हमारी पाँचवीं तक की पढ़ाई वहीं हुई वहाँ पर एक भी पेड़ ऐसा नहीं होगा उस शहर का जिसमें हम लोगों ने खेला नहीं हुआ उससे ऊपर चढ़ के पर मज़े की बात यह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने दादा ने पिताजी ने किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग क्यों दोपहर को खेलते हो क्यों धूप में खेलते हो क्यों ऊपर चढ़ते हो पेड़ों पे मना नहीं किया आज तो हम अपने बच्चों को मट्टी पे नहीं खेलने देते हैं बाहर नहीं निकलने देते हैं तो उस समय वो बहुत लिबरल थे उस मामले में और शायद उनका ये लिबरल होना ही हम लोगों के चरित्र में उन चीज़ों को लेकर आ गया कि हम भी जो हैं दोस्ती के अपने माहौल में कभी किसी चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा जितने भी हमारे दोस्त उस समय बने वो ता जिंदगी दोस्ती उनसे निपटती रही और ये बहुत अच्छी सीख हमको अपने बचपन से ही मिली उसके बाद हम लोग वहाँ से पाँचवीं के बाद हमको हमारे दादाजी ने रायपुर ले आए और राजकुमार कॉलेज में भर्ती करा दिया अब एकदम माहौल अलग था वहाँ की स्कूल और यहाँ की राजकुमार कॉलेज तो पहले तो दो चार महीने बहुत मुश्किल हुई वहाँ पर उसके बाद फिर चूँकि वहाँ पर बच्चे बहुत कम थे और मन लग गया तो फिर वहाँ पर हम लोग अच्छे से रहने लगे पर राजकुमार कॉलेज की खूबी ये थी कि वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कराते थे मुझे अच्छे से याद आता है कि जीवन के हर पहलू को वहाँ पर उनके शिक्षक छू छूते थे क्योंकि सारे शिक्षक स्कूल के अंदर ही रहते थे तो हम लोग किसी भी शिक्षक के घर चले जाते थे शाम को उनके यहाँ बैठते थे वो फिर हम लोगों को अपनी बातें बताते थे कैसे वो लोग बढ़े ये हुआ और खेल कूद वहाँ कंपलसरी था सेवा करना कंपलसरी था वो सब राजाओं के लिए बनी हुई स्कूल थी जिसमें कि अधिकांश सब राजा के बच्चे थे परंतु वहाँ पर खेल कूद और आसपास के गांव में जाके लोगों को सेवा करना वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य था उसका इवन वो बच्चों को जेल में भी ले जाते थे जेल के कैदियों के पास जाके उनसे काम करवाते थे और भोजनशाला के अंदर भी वो बच्चों को सिखाते भी थे कि ये जैम कैसे बनता है ये अचार कैसे बनता है ये ब्रेड कैसे बनता है ये बिस्किट कैसे बनता है ये उनको बनाना भी सिखाते थे और पुरस्कार भी करना सिखाते थे कि आप पुरुष हो आज आप सब बच्चों को आप खाना खिलाओगे है ना वेटर नहीं रहेगा और तो और उस समय नीचे बैठ के भोजन करने की क्या प्राथमिकता है वो भी हमको वहाँ बताते थे और हफ्ते में एक दिन हम लोगों को नीचे बैठा के भोजन कराया जाता तो इस तरह से जो वहाँ पर शिक्षा मिली हफ्ते में एक दिन ऐसा होता था कि सात बजे सुबह स्कूल पहुँचना होता था और वो भी खेत में जाना होता था स्कूल के खेत थे पीछे उसमें छोटे छोटे प्लॉट बना के हर लड़के को दे दिया जाता था अलग और उन्हें खेती सिखाई जाती थी वो खेती उनको करनी होती थी प्रैक्टिकल वहाँ और उस पर मार्क्स मिलते थे तो इस तरह से ड्रामा में आपको भाग लेना ज़रूरी है है ना आर्ट सीखना ज़रूरी है म्यूजिक सीखना ज़रूरी है जीवन के जितने पहलू हो सकते हैं वो सारे वहाँ पर उन्होंने हमको सिखाया इवन यहाँ तक कि सुबह क्लास शुरू होने के पहले आप स्नान करने के बाद धोती पहन के आप मंदिर जाएंगे वहाँ मंदिर था रामचंद्र जी का और उसमें दर्शन करना कंपलसरी था और मुझे वो भजन के गीत एक लाइन अभी भी याद है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन रन भाव भय दारूणम ये जो भजन था उस जमाने में जब हम बहुत छोटे थे तो ये सारी चीज़ें एक जेहन के अंदर में आपको एक आपका एक स्वरूप बदल देती है सर आपने बचपन का ही अनुभव शेयर किया लेकिन इस वार्ता के द्वारा लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके परिवार से जो आपने वैल्यूज जो स्परिचुअलिटी या धार्मिकता सीखी वो कैसी थी आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अब ये भी बहुत लंबी कहानी है फिर भी हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो लोग पांच ब्रदर्स थे सबसे बड़े ब्रदर का हमारा परिवार है और वो शायद इस दुनिया में जब आए तो मुझे लगता है कि अपने समय से बहुत पहले आ गए हालांकि उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई 1946-47 में डेथ हो गई जब हम चार पाँच साल के थे पर उनकी जो हम कहानियाँ सुनते हैं तो उन्होंने नाइनटीन में एक ऐसा वाकया हुआ कि तो विधुर और विधवा दोनों विवाह करना चाहते थे परंतु उस जमाने में तो यह असंभव था इसलिए वो सबके पास जाते रहे मगर किसी ने भी उसमें हामी नहीं भरी कि हम तुम्हारी शादी में आएंगे तुम्हारी बारात ले जाएंगे ये सब कुछ नहीं तो आखिर में वो हार के हमारे दादाजी के पास गए और दादाजी को बताया कि ऐसा ऐसा मैं करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चिंता मत करो हम अपनी गाड़ी में तुमको लेकर जाएंगे और पूरी बारात ले चलेंगे और तुम्हारी शादी कराएंगे तो उन्होंने उनकी शादी करवाई ऐसे बहुत से किस्से उनके हैं और वो सबसे ज़्यादा जो किसान लोग होते थे ना क्योंकि हमारी तो फैक्ट्री राइस मिल की थी तो सारे किसान उस जमाने में राइस मिलों में आते थे वहीं से वो पैसे ले जाते थे वहीं से बाढ़दाना ले जाते थे और जब फसल हो जाती थी तो ला वापस देते थे तो दादाजी हमारे जो हैं वो पंद्रह पंद्रह दिन का वहाँ पर रामायण मंडली को बुलाते थे बाहर से और वो पूरी रामायण वहाँ पर पंद्रह दिन चलती थी ऐसे ब्रिज से लोग आते थे जो कि कृष्ण के ऊपर पूरी कृष्ण लीला करते थे तो वो सारा जो माहौल वहाँ पर बनता था एक एक महीने तक पूरे गांव के लोग दूसरे गांव के लोग सब आके वहाँ पे इकट्ठे होते थे और ये सारा कुछ घर पर होता था किसी और से कुछ भी नहीं तो इस तरह का उनका एक जो दृष्टिकोण था बहुत बड़ा कि उस जमाने में उन्होंने ऐसे काम किए जो कि बहुत कठिन काम थे फिर एक बार ऐसा वाकया हुआ कि हम लोग जहाँ राजस्थान से आते हैं जोधपुर ज़िले से उस जोधपुर ज़िले में एक स्कूल है जहाँ पर हमारे गांव के आसपास के लोगों के बच्चे सब पढ़ते हैं और उन स्कूलों के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है हमेशा तो वहाँ से जो बड़े बड़े लोग हैं जो मद्रास में रहते हैं कोई कहीं बस गए हैं कोई कहीं बस गए हैं हम लोग जैसे रायपुर में बस गए हैं तो वो लोग आए रायपुर कि यहाँ से हम पैसे इकट्ठे करके ले जाएंगे तो उन्होंने रायपुर में पता किया लोगों से पैसे लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप बड़ी तक रकम आपको चाहिए तो आप वहाँ से उन बागारा सेठ जी के पास जाइए क्योंकि तो हमारा परिवार रहता वहीं था उस वक्त तो वो बागबारा गए बागभारा की गद्दी पर गए तो छोटे ब्रदर थे उनके दादाजी के छोटे दादाजी उनसे उन्होंने कहा तो उन्होंने एक रकम बताई कि भाई मैं इतना दे देता हूँ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इतना नहीं हमें और चाहिए इतने में नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है फिर आप आ, बड़े भाई से मिल लीजिए वो बगीचे में रहते थे घर पे नहीं रहते थे क्योंकि तो हमारी दादी तो रही नहीं थी तो एक बगीचा था वहीं रहते थे वो और उनको टीबी की बीमारी भी हो गई थी तो वो टीबी का इलाज भी चल रहा था तो ये सारे लोग जो मद्रास से आए थे अधिकांश उनके पास गए उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है और हम चाहते हैं कि ऐसा आप राशि, तो उन्होंने बोला कितना चाहते हैं आप ये बरबे टीम है तो उन्होंने एक फिगर बताया तो उन्होंने उनको बोला कि इससे डबल लिख लो आप ये एक उनकी उदारता का परिचय जो परिवार में रहा उन्होंने डबल लिखाया और एक हमारे पार्टनर हुआ करते थे उनके लिए भी लिखाया बोले वो, वो भी हम भिजवा देंगे और इस तरह वहाँ एक न्यू पढ़ी कि उसमें जो आए थे मद्रास से ना उनकी दोइती थी एक लड़की की लड़की उसके लिए उन्होंने उस दिन संकल्प कर लिया कि मैं इस परिवार में एक संबंध करूंगा और इनके लड़के को मैं अपनी उस लड़की को भेजूंगा जो आज भी है हमारे परिवार में हमारी सबसे बड़ी काकी हैं और उनकी शादी फिर नाइन फिफ्टी फोर में हुई ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स की तो शादी हुई फिफ्टी टू में सगाई हुई फिफ्टी फोर में शादी हुई और वो आज भी हमारे बीच में हैं काका जी नहीं हैं मगर वो हैं तो इस तरह से हम लोगों ने जो बचपन से देखा कहानियाँ सुनी और उसके बाद एक घटना ऐसी हुई जो हम कितनी गहराई तक उसमें चले गए थे ये बताएगा कि महासून में जहाँ हमारा घर है उसके बगल में राम मंदिर है बड़ा भारी उस राम मंदिर में रामलीला की मंडली आई और रामलीला रोज़ चलती थी हम स्कूल से जाके वहाँ बैठ जाते थे रामलीला देखने तो उसमें एक जोकर का भी काम करता था एक उसका नाम उस समय आलू गुंडा था आलू गुंडा मतलब आज तो बहुत खाते हैं अपन तो आलू गुंडा था नाम और वो इतना अच्छा करता था कि उसके संवाद उसके हाव भाव उसके वो सब दिल में उतरते चले गए और जब वो वाइंड अप होके जाने के लिए तैयारी में था तो मैं गया अपने दादाजी के पास मैं बोला मेरा मन उनके साथ लग रहा है मैं जाना चाहता हूँ उनके साथ साथ मंडली में घूमना चाहता हूँ ये प्रभाव रामायण के उसका आत्मा के ऊपर कि मैं जाने के लिए तैयार हो गया उनके साथ पर उन्होंने रोका और फिर वो भाव तो चलते रहे ये बहुत बचपन की कहानी मैं समझता हूँ कि मैं जब तीसरी या चौथी में था तब तो इस तरह वो बचपन तो आगे बढ़ता चला गया परिवार में जो एक ये थी और एक चीज़ जो बहुत से लोगों को नहीं पता होगी कि जब देश आज़ाद हुआ ना तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें परमिट से मिला करती थी जो आज लोगों को सोचने में भी बहुत अजीब सा लगेगा पर पेट्रोल परमिट से मिलता था माचिस परमिट से मिलती थी कपड़े परमिट से मिलते थे कलेक्टर से परमिट लो फिर आप कपड़े खरीदो वो कपड़े की एक स्पेसिफाइड दुकान थी वहां से आपको लेना है ये सारी चीजें परमिट से मिला करती थी तो वहां से उनमें दादाजी ने क्या किया कि एक पर्टिकुलर डेट घोषणा हो जाती थी साल भर के पहले कि इस दिन यहाँ पर कपड़े बांटे जाएंगे 48, 49 की बताओ या उसके भी पहले से शुरू था ये बहुत टाइम से शुरू था तो वो कलेक्टर से बोल के परमिट लेके बहुत कपड़े पूरा यानी एक समझ लो इतना बड़ा गोडाउन इस कमरे से उस कमरे तक भर जाए इतने कपड़े वो ले आते थे और उन कपड़ों में से आप अगर घर में ले जाना चाहो ना तो एक भी टुकड़ा आप ले नहीं सकते अंदर वो बंटने के लिए आया है मतलब बटेगा वो और उस दिन फिर वॉ वॉल्टियर से लेके और रायपुर के बीच में ये जितने स्टेशन हैं सब जगह से लोग आते थे और एक लाइन से पूरे बैठ जाते थे सुबह से और फिर जो बट बटाई चलती थी तो वो पूरा बांटा जाता था वो क्रम जो है हमने बचपन में देखा है चलता रहा उनके जाने के बाद भी उनसे छोटे ब्रदर थे वो करते रहे ये इस तरह चलता रहा और अभी जब मुझे दो तो तीन साल पहले स्मरण आया इस क्रिया का तो फिर मैंने रायपुर में भी ये छोटे रूप में शुरुआत करे कि नए कपड़े खरीद के लाओ और फिर वो स्कूल में या इधर उधर सारे स्टाफ को वो देने का अभी अधिकांश पुराने कपड़े दिए जाते हैं जा। नया कपड़ा कौन ला देता है तो वो भी एक क्रम चालू किया है वापस उसकी याद में कि वो याद देखो परिवार की ये थाती थी कि इस तरह हम परिवार में आगे बढ़े और इस तरह हमारा स्कूल वहाँ पर पूरा हुआ और आज की जो स्कूल में एडमिशन के लिए पालक परेशान होते हैं ना उस जमाने में कैसा एडमिशन होता था आप सुन के उसको भी ताज्जुब करेंगे कि हमारे पिताजी जो खुद अध्यक्ष थे स्कूल के भी और पूरे जनपद के उन्हीं के माध्यम से सारे शिक्षकों की नियुक्ति होती थी पर वो हमें लेके गए स्कूल हेडमास्टर के पास और एक नारियल और नारियल के ऊपर एक रुपए का सिक्का ये रख के उन्होंने हेडमास्टर साहब को यूँ दिया और कहा कि ये मेरा बालक है ये अब आपके स्कूल में पढ़ेगा इसको आप स्वीकार करिए ये एडमिशन हुआ इस तरह एडमिशन होता था उस जमाने में एक रुपये और नारियल पर तो ये आज किसी से कहेंगे तो लगेगा कि अरे ये क्या बात है ऐसी विचित्र ऐसी तो कभी होती नहीं है आज तो आपको एडमिशन फी और ये फी और वो फी जाने ना जाने कितना होता है तो खैर ये एक ऐसी घटना हुई जो इसलिए बताना जरूरी था कि आज जो विकृति आ गई है सिस्टम में एजुकेशन के जिसको कि कोई भी दूर नहीं कर पा रहा है ना कर पाएगा शायद क्योंकि समय ही बदल गया है पर उस मानसिकता के पीछे भी एक आध्यात्मिकता थी कि गुरु गुरु होता था गुरु के लिए पैसा आवश्यक नहीं था गुरु के लिए शिष्य आवश्यक था उसको शिक्षा देना आवश्यक था और गुरु चाहे जितना जबरदस्त चपत लगाए जितना मारे अगर घर में किसी ने शिकायत की तो उसको इतनी मार घर से और पड़ती थी गुरु से कोई कुछ नहीं बोलता था तो एक अलग जमाना था आज हम देख रहे हैं कि अलग जमाना है जी सर आपने बचपन के बारे में बताया स्कूलिंग के बारे में बताया अपने परिवार की जो बहुत ही समृद्ध मूल्य थे उनके बारे में बताया अब मैं जानना चाहूंगी जीवन के उस पड़ाव के बारे में जिसे हम दांपत्य जीवन बोलते हैं तो वो विवाह और उस दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ बताइए विवाह और दाम्पत्य जीवन का तो अगर मैं कहूँ तो वो चरितार्थ होती है कहावत कि आर मेड इन एंड ऑन अर्थ। हमारे ग्रैंडफादर जो सेकंड ग्रैंडफादर संबंध करने के लिए मद्रास गए हुए थे अपने बेटे का और हमारे दूसरे अंकल का, तो वहां से उनको उनके एक मित्र लेकर कुनूर चले गए क्योंकि वो हमारा भी संबंध मद्रास में करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तीन संबंध एक साथ नहीं करना चाहिए एक ट्रिप में आए हो एक ब्रेक दो दो कर दिए अब तीसरे के लिए ब्रेक दो और हमारे साथ चलो हम एक दो दिन घूम के आते हैं तो वहां से हिल स्टेशन क्नूर था वो कन्नूर ले गए कुनूर में जो परिवार था एक बच्चावत परिवार उनके वो मित्र थे बहुत उनके यहाँ ले गए और वहाँ पे फिर रुके उसके बाद उन्होंने लड़की बताई कि आपके मेरे लिए मतलब कि आप देखो इनको और संबंध करना है तो उन्होंने कहा मैं तो इसके लिए आया नहीं हूँ तो उनके मित्र ने कहा नहीं नहीं मैं इसी के लिए लाया हूँ तुमको ऐसा उनसे बोले अच्छा ठीक है तो हमारे उनके साथ हमारे छोटे ब्रदर भी गए थे और एक छोटे अंकल हैं वो भी गए थे उनने देखा उन्होंने कहा कि धीरे से दादाजी को बोला कि नहीं हमको नहीं जम रहा है तो फिर ठीक है उन्होंने उतने में ऐसा हुआ कि वहीं उनकी स्कूल थी बड़ी जो वो लोग चलाते थे पहाड़ के एकदम ऊपर में उनका घर था उसी के बगल में स्कूल थी उसी स्कूल से बच्चे छूटे तो जो हमारी पत्नी बनी बाद में वो वहाँ से दौड़कर घर आई तो एकदम लाल मतलब वहाँ तो ठंड इतनी ज़्यादा होती थी सब लाल ही लाल उनको देखा छोटे ब्रदर ने और इस ने, ने तो धीरे से उनके कान में बोला कि इनसे करते हो तो आप कर लो तो उनने बोला ठीक है फिर उन्होंने बोल दिया ऐसे दादाजी ने कि भाई देखो हम लोग आए तो हैं मगर आप अगर इनसे सस... हाँ करते हो तो मैं हाँ कर देता हूँ अभी तो उन्होंने कहा भाई अरे मैंने तो आपको बुआ दिखाया अब आप भतीजी से बोल रहे हो तो अभी का ही नहीं हुआ भतीजी का कैसे करूँ तो बोले अब आप वो आपके ऊपर है आप सोच लो बोले ठीक है और फिर अंदर में जो भी हुआ उनका आपस में उनकी वाइफ का इनका जो भी वॉटर और फिर उन्होंने हाँ कर दी तो ना उन्होंने मेरी फोटो देखी ना मैंने उनकी फोटो देखी न हमारा कोई पूर्व परिचय कुछ भी नहीं ग्रैंडफादर करके आ गए बोले कि हमने सगाई कर दी तुम्हारी तो इस तरह से वो सगाई हुई और फिर उस समय मैं एम कॉम में था तो मैंने मेरे काका जी से बोला कि भाई मैं दो साल शादी नहीं करूँगा मेरा एम कॉम फाइनल हो जाने दीजिए फिर करूँगा तो उन्होंने कहा ठीक है पर हुआ ये कि एक साल के बाद ही मुहूर्त निकल गया नहीं शादी तो करनी है तब तक हमने देखा भी नहीं था फोटो भी नहीं देखी थी उन्होंने भी नहीं देखा था तो उनके एक शादी थी रायपुर में किसी और की उसमें उनके नाना जी आए थे तो उन्होंने उस दिन हमको तस्वीर दी उनकी कि ये है तुम्हारी वाइफ देखो तो वो तस्वीर हमने फिर रखी तो वो क्या बोलते हैं उन्होंने जो बोला वो बहुत बुजुर्ग थे वो और बहुत विद्वान थे उनकी बहुत सी किताबें लिखी हुई है आगरा के हैं वो लोग तो उन्होंने मेरे से कहा ये तस्वीर रखो सामने और जब तुम पढ़ते हो ना तो इस तस्वीर से इंस्पिरेशन लो और इस तरह बोल के मुझे वो तस्वीर दे दी तो इस तरह हमारा संबंध हुआ और जब विवाह का समय आया तो उस वक्त तो यहाँ से डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं होती थी कुनूर जाने की तो यहाँ से वाल्टियर जाओ वाल्टियर में ट्रेन में कलकत्ता से जो ट्रेन आती थी उसमें डब्बे लगते थे फिर वहाँ से मद्रास रुको दिन भर फिर रात की ट्रेन वहाँ से थी उससे जाओ कोयम्बटूर कोयम्बटूर से फिर बस से जाओ तो इस तरह का लंबी यात्रा थी इस तरह से इतनी दूर था वो कि सारी कुछ अरेंजमेंट तो हो गया शादी भी हो गई पर आज तक भी लोग पूछते हैं कि आप रायपुर में वो वहाँ साउथ में एकदम पहाड़ के ऊपर आप कैसे मिले क्या प्रेम विवाह है आपका मैं बोला प्रेम विवाह तो नहीं है पर विवाह होने के बाद प्रेम बहुत हो गया हमारा तो इस तरह हमारी वो शादी संपन्न हुई ये है 1964 की बात सर ये आपका रहा बचपन दाम्पत्य जीवन आ, सर मैं आगे जानना चाहती हूँ कि आपका इतनी लंबी ध्यान यात्रा है आपका खुद का पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस इतना सारा है तो ध्यान में कैसे आप आए पत्री सर से कैसे मुलाकात हुई क्या एक विशेष अनुभव आप साझा करना चाहेंगे ध्यान का और आध्यात्मिक जीवन का जैसा मैंने आपको तो बताया कि पारिवारिक माहौल ही वैसा था कि हमेशा हमको जो आ, अच्छे मानव बनने के जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिलते रहे बचपन से और ध्यान भी जब हम करते हैं तो वास्तव में जब हम अंदर जाते हैं तो हम उन्हीं चीजों को तो अनुभव करते हैं अंदर तो जैसा कि समय जब आया 1998 में उस समय पत्र जी का आगमन हुआ वो हमारे घर पर रुके और वहाँ से फिर ये ध्यान की शुरुआत जो है अन्य रूप में होने लगी अनापान सती का ध्यान स्वाध्याय ये सारी चीज़ें उस समय से शुरू हुई और फिर वो आज तक चल रही हैं बराबर आज इतने बरस हो गए हम लोग ध्यान में हर रोज करते हैं और फिर ध्यान के माध्यम से जब हम अंदर जाते हैं तो तरह तरह के अनुभव होते हैं उसमें ये भी अनुभव होता है कि आप कोई ऊहा पों में हैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और आप फिर जब उसको सोच के ध्यान करने लगते हैं कि मैं क्या करूं, तो आपको ध्यान के माध्यम से जवाब भी मिलता है ये मेरा अनुभव है कि उन्नीस की बात है जब पत्र से मुलाकात नहीं थी तब भी चूंकि हम परिवार में इसी तरह से थे तो एक ऐसा प्रसंग आया जिसमें मुझे उत्तर चाहिए था पर वो मैं जितनी बार भी ध्यान करता उतनी बार भी उत्तर नेगेटिव आता था पॉजिटिव उत्तर नहीं आया और अल्टीमेटली हुआ भी नेगेटिव ही हाँ पॉजिटिव नहीं हो पाया तो ये शक्ति है ध्यान में कि अगर आप अंदर उतर जाते हो तो आपको जो सही अनुभव है होने वाला है वो भी पता लग जाती है तो पत्री जी ने वो सब चीज़ें हमको सिखाई और उसके बाद ये फिर पी का गठन हुआ पिरामिड बना कांगेर वैली में और फिर इसके प्रचार और प्रसार का कार्य शुरू हुआ वहाँ पर हर शनिवार को ध्यान होता था जिसमें नर्मदा जी ध्यान करवाते थे विदेश से मैं समझता हूँ कि कम से कम एक दर्जन से अलग लोग आए हमेशा ध्यान के ध्यान में जो जुड़े हुए हैं पत्री जी के साथ और हम लोग हर साल आ, जो पिरामिड है बेंगलोर का वहाँ जाते ही थे जो इंटरनेशनल उसका ध्यान होता है चार दिन का प्रतिवर्ष वहाँ जाना वहाँ और भी मास्टर्स हैं उनसे मिलना उनके ध्यान की पद्धति को देखना समझना इस तरह से ये कारवा बढ़ता चला गया और उसमें गहरे उतरते चले गए तो उससे सबसे बड़ी जो उपलब्धि ये हुई कि किसी भी सिचुएशन में कैसी भी सिचुएशन हो हम उद्विग्न नहीं हो पाते शांत मन से उसको समझते हैं और उसमें से कैसे बाहर निकला जाए उसका रास्ता देखते हैं ये ध्यान ने बहुत अहम चीज सिखाई है कि अपने ऊपर ही पूरा कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर ही सब कुछ है वहाँ से आप चाहोगे वो उत्तर आपको मिलेगा वहाँ से जो आप चाहोगे वो राह आपको मिलेगी सिर्फ इतना है कि आपके मन में प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति प्यार होना चाहिए कंपैशन होना चाहिए केयर होना चाहिए सबका और जितनी आप सेवा कर सको जितना क्षमा कर सको सबको वो इस सब ध्यान में सिखाया है और उसी पर हम चल रहे हैं अभी तक सर आपने ध्यान की शुरुआत के बारे में बताया पत्री सर से मुलाकात के बारे में बताया आप पहले से ध्यान कर रहे थे और जो आनापान सती ध्यान है वो आपने पत्री सर से सीखा तो इस ध्यान में जुड़ने के बाद कोई विशेष अनुभव कोई विशेष अनुभव आपको हुआ हो तो प्लीज बताइए पत्री सर के साथ तो बहुत सारे अनुभव हुए वो भी बेंगलोर में ही हुए ज्यादा जब वहाँ रहते थे हम जाके यहाँ पर तो वैसा कोई अवसर मिला नहीं कि कोई मिस्टिक अनुभव हो हाँ ये हमेशा होता था कि वो जब भी साथ होते थे हम लोग जाते थे कहीं भी तो वो बोलते थे यू आर ए मास्टर यू आर ए मास्टर वो पैर तो किसी को छूने देते दे नहीं थे कभी है ना तो उनका एक अपना तरीका था और एक बार ऐसा हुआ कि न्यूटन बिट्टी आए हुए थे लक्ष्मी जी आई हुई थी घर पर उनके साथ भोजन था शाम का तो बे ड्राइंग रूम में बैठे थे वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपन भोजन के पहले दस मिनट ध्यान करते हैं हम लोग ध्यान में बैठ गए और ध्यान से फिर जब उठे तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सामने की कुर्सी में जहाँ आप बैठे थे उसके बाजू में कोई बुजुर्ग बैठे हैं मैंने बोला यहाँ तो कोई बुजुर्ग है नहीं बोले नहीं वो मैंने देखा है वो सफ़ेद दाढ़ी है और वो बैठे हैं वहाँ पर तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ फिर अचानक ध्यान आया तो मैं पूजा कमरे में गया वहाँ एक छोटी सी तस्वीर है हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर की वो मैं लेके आया उनको मैंने बोला उनको दिया कि ये है ये बैठे थे तो उन्होंने कहा ये बैठे थे सामने मेरे तो ये उस ध्यान में उनको नजर आया तब मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ध्यान जो है कितनी गहराई तक आप जा सकते हो कि आप देख सकते हो सब कुछ अभी वो स्टेज हमारी आई नहीं है कि हम देख लें और हम देख लेते हैं और को पढ़ लेते हैं मगर आगे क्या आने वाला है पीछे कौन था आ रहा है जा रहा है ये सब में हम गए नहीं हैं और शायद हम उस गहराई में जाते भी नहीं हैं कि उस तरह हम उनके तरह देख सकें क्या है क्या नहीं है पर हाँ इतना ज़रूर एहसास होने लग गया कि हम लोगों के ऊपर पुरोजों का साया बना हुआ है अभी भी चाहे वो शरीर नहीं है पर है यहाँ और इसीलिए हम लोग इस सही मार्ग पे चलते जा रहे हैं ध्यान के मार्ग पे चलते जा रहे हैं वेजिटेरियन तो खैर हम लोग हैं ही बचपन से ही और क्योंकि जैन धर्म का पालन करते हैं तो उसमें अहिंसा जो है वो ऐसे ही धर्म है तो उसमें तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि कुछ और उसका हो फिर पत्री जी ने पीएसएससी की स्थापना करी वो उनका प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे वो ध्यान की ओर आकृष्ट हो सके बचपन से और वो पीएसएससी की बुक्स के माध्यम से हो रहा है बुक्स यहीं छपती थी इसलिए मुझे उनको पढ़ने का उनको सुधारने का सब करने का अवसर मिलता था तो उससे मुझे समझ आया कितनी गहराई इस बात में है कि दोष हम बहुत जल्दी दे देते हैं किसी को कि बच्चे आज के सुनते नहीं हैं माँ बाप की सुनते नहीं हैं किसी की बुजुर्ग कोई घर आते हैं तो उनके उनको आदर नहीं देते हैं इस तरह की बातें तो सब करते हैं पर उसमें गलती तो हमारी है ना परिवार की गलती है माँ बाप की गलती है और माँ बाप भी क्या करें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग पार्टनर है बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता है तो इसलिए ये कैरिकुलम जो उन्होंने बहुत सोच के पत्र ने बनवाया और स्कूलों में इसको लागू करवाया मैं समझता हूँ कि ये भारतवर्ष में बहुत लंबे दूर तक जाएगा जिससे कि लोगों को और बच्चों को उनके चरित्र को बनाने में पूरी मदद मिलेगी और उसमें हम लोग कुछ सहयोग कर पा रहे हैं ये उनकी कृपा है बहुत ध्यान करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब आप ध्यान में बहुत गहरे उधर जाते हो तो एक दिन ऐसा हुआ कि पिरामिड के अंदर ध्यान हो रहा था और हमारे नर्मदा जी ध्यान करा रहे थे उन्होंने अचानक ध्यान को रोका और कहा कि आजू बाजू दो लोग बैठ जाइए आमने सामने अपरिचित और एक दूसरे की आंखों में देखिए आप और फिर बताइए आपको क्या दिख रहा है देखा विशेष अनुभव था वो और फिर बैठे हम आंखों में देखते रहे देखते रहे फिर हमने आंखों में देखते हुए उनके घर का विवरण दिया पूरा कैसा दरवाजा है कहाँ से एंट्री है दरवाजे के बाद अंदर में कोई किसकी मूर्ति है और ये सब उनको बताया और फिर जब पूछा तो बात सही निकली तो ये ध्यान यहां तक ले जाता है आपको कि जब आप कंसंट्रेट करते हो तो बहुत कुछ आप देख सकते हो किसी के थ्रू उनके थ्रू देख सकते हो आप क्या है तो एक अनुभव बहुत विशेष था उसी तरह यहाँ जब कैलाश ध्यान केंद्र की स्थापना हुई जिस दिन उस दिन पत्री जी आए थे उन्होंने उद्घाटन किया फिर उन्होंने पूछा इसका नामकरण क्या करें तो आउट ऑफ दी ब्लू मेरे दिमाग में है कि इसका नाम कैलाश करिए अब कैलाश करिए क्यों आया क्योंकि कैलाश में पर्वत जो है वो तो पवित्र तो है ही शिवजी का निवास अपन मानते हैं वहां पर और उसके बाद ऐसा अवसर आया कि मुझे मानसरोवर कैलाश जाने का मौका लगा तो जो घटनाएं होती है ना जब हम ध्यान करते रहते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमको उस वक्त समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ पर एक समय आता है जब उसका राज खुलता है तो ध्यान अगर आप करते रहे हमेशा तो निश्चित रूप से आपको इंगित होते रहेंगे आप कि आगे क्या होने वाला है आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है क्या नहीं होने वाला है आज इस हॉल में भी इतना चार्ज है तो यह सब पत्री जी की देन है कि इतना चार्ज है यहाँ पे आज वो नहीं है हमारे पास सशरीर परंतु उनके बताए हुए मार्ग से चलने पर हम सबको कितना सुकून मिलता है कितनी शांति मिलती है जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हमको बहुत कष्ट हो कभी तकलीफ हो और फिर हम उससे बाहर ना आ सकें क्योंकि वैसा अनुभव ही नहीं होता है गलत शायद ऐसा है कि आ, इस तरह की बातें हमने अपने आत्मस्वरूप में प्राप्त कर ली है कि हम उस चीज़ को अनुभव ही नहीं करते हम उसको सामान्य रूप से लेते हैं ये जीवन का पहलू ही है चल रहा है ठीक हो जाएगा तो इसलिए हमको किसी बात की चिंता नहीं होती स्ट्रेस नहीं होता ताज्जुब करेंगे आप कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे एक ही टेबल पर से चार काम अलग अलग चलाने पड़ते थे जैसे टेप होता है ना टू वे टेप होता था पहले तो मैं उसको फोर वे टेप बोलता हूँ कि अखबार निकलता था वो देखो इनकम टैक्स देखना था तो वो देखो फैक्ट्रियाँ चलती थी तो उनका सामान देखना है वो देखो और जो सामाजिक जीवन देखना है वो देखो तो कई दफ़े तो ऐसा होता था कि एक साथ चारों का काम आ जाता था पर ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ कि हमको थकान लगी हो किसी काम से उसका कारण सबसे बड़ा जो मैं देता हूँ वो इसी अध्यात्म को है इसी स्पिरिचुअलिटी को है और मैं तो चाहूंगा कि इस अनुभव से सब अपने जीवन में कम से कम उस दिशा की ओर बढ़े कि स्ट्रेस से दूर हो जाए और इसके अंदर रमे रहे। सर आप एक बहुत ही धार्मिक परिवार में रहे बहुत ही समृद्ध फैमिली से आप बिलोंग करते हैं लेकिन पत्री के साथ आपका जो जुड़ाव हुआ वो 98 में हुआ और तब से आप ध्यान में हैं तो ध्यान में आने के बाद कोई ऐसा अनुभव जो विशेष स्थान आपके लिए रखता है या जिसने आपको ही आश्चर्य कर दिया हो आप सही बोल रही हैं एक ऐसी घटना घटी जिसके पीछे अदृश्य रूप से उनका ही हाथ था हम अपने दो तीन गुरुजनों के साथ एक यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थान पर जा रहे थे जहां पर जहां उनका ट्रीटमेंट होता है विक्षिप्त लोगों का जो दिमाग से तो उस ट्रीटमेंट के चक्कर में जाते जाते मेन रोड छोड़ के हम लोगों ने एक शॉर्टकट पकड़ा वो शॉर्टकट भी वैसे अच्छा था बहुत जो केनाल रोड जिसको बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी केनाल है उसके ऊपर जो रोड होती है उस रोड से हम जा रहे थे जाते जाते अचानक केनाल के अंदर तरफ के हिस्से में फिर ये बारिश का टाइम था तो एक गाय जो है वो घास चल रही थी तो हमने गाड़ी को थोड़ा सा उसको बचाने के लिए राइट में किया राइट में करते ही क्या हुआ कि आगे का जो चक्का है ना वो घास पर आ गया और घास पर आती गाड़ी स्लिप होने लगी अब वो केनाल की गहराई भी करी पंद्रह फुट और केनाल के बाहर की रोड भी वैसे ही लंबी उस समय ये ध्यान का प्रभाव था पत्री जी का आशीर्वाद था उनका ध्यान हुआ विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड वो गाड़ी को अपने आप दाहिने मोड़ दिए और ब्रेक लगा दिया जोर से तो वो गाड़ी जो है स्थिर हो गई और राइट ऐसे घूम के उस वॉल से ऐसे उतर गई नीचे और उतर के जाके एक खेत के मेड़ पर ऐसे खड़े हो गई मुश्किल से एक सेकंड भी नहीं लगा वो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड पर उस समय आ गया दिमाग में कि ये उनका आशीर्वाद है जिसने हमारी सबकी जान बचाई वरना अगर ऊपर से गुलाटी खाती गाड़ी तो ऐसे चार पांच बार तो पलटते हुए नीचे आती पर कुछ भी नहीं हुआ ऐसे नीचे गई हम लोगों ने गाड़ी चालू की थोड़ा सा पीछे लिया फिर राइट में लिया और एक सौ सौ फुट दूर पर ही रोड थी उस रोड से वापस चढ़ के केनाल रोड पर आ गए और फिर हम अपने जर्नी पर चले गए वहाँ गए हम विक्षिप्तों से मिले उनका जो इलाज करता था उससे मिले उसको क्या मदद चाहिए क्या और कुछ कर सकते हैं वो सब समझा और फिर लौट आए तो ये उस दिन कि ऐसी घटना है जिसने न मेरी बल्कि हमारे साथ जितने थे सबकी जान बचाई और इसका प्रताप किसको दिया जाए उन्हीं को दिया जाए क्योंकि एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो हमारे गुरु होते हैं स्पिरिचुअल उनका आशीर्वाद तो सदा बना रहता है ऐसा नहीं है कि हम ध्यान कर रहे हैं जब भी बना रहता है सतत साथ रहते हैं तो ये एक ऐसी घटना है जिससे हमको ये सीख मिलती है कि जिनको हमने गुरु बनाया है गुरु माना है वो सदा हमारी सहायता करते रहते हैं हमारे पास रहे हमसे दूर रहें शरीर रहे या न रहे पर उनका जो आशीर्वाद है वो सदा बना रहेगा सर आपने अपनी यात्रा को बताया पत्री सर के साथ पत्री सर का एक विजन है कि सभी ध्यानी बने सभी शाकाहारी बने सभी स्वाध्याय सज्जन सांगत्य से जुड़े तो पत्री सर का जो ये विजन है इसमें आपने उनका हर कदम पे साथ दिया आपने कैसे छत्तीसगढ़ में पी को इंट्रोड्यूस कराया कैसे आपने कैलाश ध्यान केंद्र की स्थापना करी फिर महावीर परमेड की स्थापना करी और पूरे छत्तीसगढ़ में जब पत्री सर जब आते थे तो आ, उनका आ, जो स्पीच होता था उनका जो कार्यक्रम होता था वो सब आप ऑर्गेनाइज करते थे उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए पत्री जी का तो एक दृष्टिकोण था ही था एक स्वप्न था और वो ये मान के चलते थे कि हर व्यक्ति को ध्यान ही होना ही चाहिए और वो कहते भी थे कि ध्यान करना सबसे अच्छी बात है पर ध्यान में लोगों को जोड़ना उससे भी अच्छी बात है पूरा जीवन आपका उसमें निकल जाए तो भी अच्छा है और इस बात को आगे ले जाने के लिए जब स्कूल की स्थापना का समय आया तो फिर महावीर पिरामिड की स्थापना वहाँ पर की गई और बच्चों को ध्यान से जोड़ा गया मतलब उस वो पहला स्कूल है जहाँ पे हर बच्चे को हफ्ते में एक दिन प्रैक्टिकली उस केंद्र में बैठना पड़ता है पिरामिड के अंदर बैठना पड़ता है वहाँ पढ़ना पड़ता है ध्यान करना पड़ता है और वहाँ पर जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन बच्चों में बढ़ा तो उससे ये लगा कि हर स्कूल में ये होना चाहिए और उसी के लिए फिर पी से जो किताबें बनी उन किताबों के माध्यम से जो प्रचार प्रसार हुआ उसमें शिवरप्पा जी के साथ मिलके बहुत सी गवर्नमेंट्स में बहुत से स्कूलों में जो प्रचार हुआ बुक्स का प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें एक असीम अनुभूति होती थी कि हम उनके सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरह जब पिरामिड के बाद जब यहाँ पर ध्यान की बात आई तो ये हॉल जो है बना और फिर ध्यान यहाँ होने लगा सुबह शाम शनिवार को होता ही है तो इस हॉल के माध्यम से इतने ज़्यादा लोगों को प्रचार प्रसार हुआ कि नए नए लोग आते रहे और जुड़ते रहे और हम लोग भी जहाँ अवसर मिलता था वहाँ जाते थे जो हमको बुलाता था वहाँ जाते थे जहाँ स्पीच देना है में वहाँ जाते थे और लोगों को बताते थे कि ध्यान करना बहुत आवश्यक है क्या उसके फायदे हैं कैसे करना है वो सब कार्यक्रम तब से चल रहा है और उसके साथ साथ फिर शाकाहार भी जुड़ गया शाकाहार को भी उतना ही बल दिया जा रहा है अभी और ये तो ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी दूर करने का एक बहुत बड़ा अस्त्र है शाकाहार तो वो पत्री जी के बहुत नज़दीक था प्रिय था कि शाकाहार तो होना ही चाहिए तो इस तरह से हुआ जब भी वो यहाँ आते थे तो उनका पब्लिक में स्पीच होता था वहां पर बैठ के सब सारी बातें होती थी सारा उनका इंट्रोडक्शन होना ये करना सारी चीजें वहां की जाती थी और यहाँ पिरामिड बनवाने का जो क्रम चला तो रायपुर के अंदर भी बहुत पिरामिड बन गए इसके अलावा भी उनका जो सबसे अच्छा उन्होंने एक संगीत में ध्यान की शुरुआत की आपके अमरकंटक से है ना वहाँ पर गुरु जी को लेके गए तो वो सारी चीजें जो है ऑर्गेनाइज हुई ना उस सब में शैलू तो करता ही रहता था पर सतत रूप से पीछे हाथ हमारा लगा रहता था कि कहीं भी रिसार्टेड नहीं हो वो क्योंकि कार्य इतना बड़ा होता है तो उसके साथ सपोर्ट तो चाहिए पूरा सपोर्ट सिस्टम तो सपोर्ट सिस्टम मेरा उनको मिल जाता था मैं ध्यान करता ही था और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ध्यान के यज्ञ में बोलूं कि आहुति जो है ना हमारे पूरे परिवार के लोग दे रहे हैं आज भी एक ऐसा परिवार है जिसमें हर कोई ध्यान करता है शैलू की वाइफ भी करती है बेटियां भी करती है मैं भी करता हूँ मेरी वाइफ भी करती थी अब नहीं है तो पूरा परिवार ध्यान में जुड़ा हुआ है और करता है खाली थ्योरी नहीं है ये प्रैक्टिकल में सब करता है उसी तरह हमारे बहुत बड़ा परिवार है श्री माल परिवार का तो हमारी ये कोशिश होती है कि जब भी हम कोई फंक्शन हो शादी ब्याह का फंक्शन हो ये हो तो हम लोगों को बोलते हैं उनको जोड़ने की चेष्टा करते हैं कि आप भी करो आप भी करो ध्यान करो दस मिनट करो पंद्रह मिनट करो तो इस तरह से ये प्रचार प्रसार जो है ना प्रतिदिन चलता रहता है फ्रेंड सर्कल में चलता रहता है कि ये करो किसी को कष्ट आता है तो बोलते हैं कि ऐसे ध्यान करो देखो कष्ट दूर होगा तो सारी बातें करते हैं और इस तरह अब ध्यान का प्रचार प्रसार तो चालू है जितना कर पाए शायद पूरा नहीं है और भी अधिक होना चाहिए जैसे आंध्र में सर के प्रेरणा से हजारों पिरामिड बन चुके वैसी ही कल्पना हम लोगों की छत्तीसगढ़ के लिए भी है और आज की डेट पे वैसे करीब 20 पिरामिड छत्तीसगढ़ में बन चुके हैं और आशा करते हैं हम कि और आगे इसको तोज्जो देंगे तो और भी पिरामिड्स यहाँ पर बनेंगे क्योंकि पिरामिड ही है जो इसके ध्यान से जिसके अंदर ध्यान से हम पूरे सोसाइटी को बदल सकते हैं अच्छे इंसान बना सकते हैं अच्छे इंसान देश को आगे ले जा सकते हैं पत्री जी का यही स्वप्न था और उस स्वप्न को साकार करने में हम लोग जो भी कर सकेंगे कर रहे हैं और करते रहेंगे सर आपकी इस लंबी ध्यान यात्रा में आपने सेवा भी की स्वाध्याय भी किया सज्जन सांगत्य भी किया ध्यान का प्रचार प्रसार भी किया लोगों को प्रोत्साहित किया ध्यान के लिए लेकिन जो नए ध्यानी हैं, जो अभी ध्यान से नहीं जुड़े हैं या अभी अभी ध्यान में आए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शाकाहार का ध्यान का स्वाध्याय का प्लीज अपना संदेश बताएं। सबसे पहले तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि शाकाहार को जरूर अपनाएं शाकाहार के बिना जो चित्त है वो स्वस्थ नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भावना उस भोजन से आ जाती है अंदर जो भोजन शुद्ध और शाकाहारी नहीं है ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए हमको जब ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ना है जीवन में तो शाकाहार प्रथम सोपान है जिसपे हम चलें दूसरा ये है कि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक हम इनकी गहराइयों में नहीं जा सकेंगे कि आत्मा क्या है हम कहाँ से आते हैं हमारा क्या रोल है यहाँ हम कहाँ जाने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं तो अध्यात्म के लिए जो किताबें हैं उसको हम जरूर पढ़ें प्लस और भी स्वाध्याय करें स्वाध्याय के बिना कोई राह नहीं है हमको बचपन से स्वाध्याय की लगन थी और हजारों किताबें हमने पढ़ी हर किताब में कुछ ना कुछ नया गुण मिलता है तो स्वाध्याय करना बहुत आवश्यक है और उसके बाद जो अंतिम है कि इन सब की परिणति ध्यान में होती है तो ध्यान आपको रेगुलरली प्रतिदिन करना है चाहे आप सुबह करें चाहे शाम करें चाहे सोने के पहले करें चाहे सुबह उठने के बाद करें मगर ध्यान करना आवश्यक है ध्यान करना चाहिए उससे हम गहरे उतर सकेंगे अंदर आत्मस्वरूप जान सकेंगे और निश्चित रूप से हम तो स्वस्थ ही, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे ही पर हम दूसरों को भी प्रेरणा दे सकेंगे जय हिंद धन्यवाद सर बहुत ही अच्छी आपकी ध्यान यात्रा रही और निश्चित रूप से लोगों को इसके लिए प्रेरणा मिलेगी इससे और आपने ये यात्रा हमारे साथ साझा की लोगों को प्रेरणा दी मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे भी कई चीज़ें आपके बचपन के बारे में आपके स्वाध्याय के बारे में पत्री सर से आपके अनुभव जो हैं वो मिलने सुनने मिले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस so यात्रा में जुड़ने का जैसा कि आप सभी ने सुना आज हमारे साथ थे श्री स्वरूप चंद जैन सर जो कि कैसे आ, अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़े एक समृद्ध परिवार से एक बहुत ही उच्च मूल्यों वाले परिवार से जुड़ते हुए ध्यान में आए ध्यान में आगे बढ़ते हुए न सिर्फ स्वयं आगे बढ़े बल्कि लोगों को मोटिवेट किया पूरे छत्तीसगढ़ को इसमें समाहित किया शिक्षा पी से के माध्यम से बच्चों को भी इसमें जोड़ा तो आगे भी हम ऐसी ही अद्भुत यात्रा ऐसे ही सीनियर प्रमेड मास्टर से आपको मिलवाएंगे उनके अनुभव आपके साथ साझा करेंगे तब तक देखते रहिए पीएमसी हिंदी धन्यवाद